नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा और आज सैटरडे का दिन है। इसी के साथ बात करेंगे आप लोगों के लिए राशियों की, जानेंगे आज का दिन कैसा रहेगा। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के साथ। एरीज कार्ड्स निकल रहे एस ऑफ वांड्स एंड सिक्स ऑफ वांड्स। आज नए किसी कार्य की शुरुआत हो सकती है लेकिन पुराने रुके हुए काम अभी भी स्थगित हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों को आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। सीनियर्स की तरफ से आज आपको लाभ जरूर होगा। थोड़ा सा अपने काम को मैनेज करने के लिए एफर्ट डालना जरूरी हो सकता है। आप लोगों के लिए उपाय के रूप में आज अपने घर के साउथ डायरेक्शन में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। वृषभ राशि, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स। आज कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको संभालना पड़ सकता है, कई लोग आपके ऊपर निर्भरता दिखा सकते हैं। इसके अलावा आज का दिन जो है ऑफिस में या फिर अगर आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उसकी वजह से भी आज थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं क्योंकि काम का बर्डन ज्यादा रहेगा। आप अपने अंदर के फियर को आज बाहर निकालने का प्रयास कीजिएगा, बिकॉज फियरफुल होकर के किसी भी कार्य के लिए आप लोग पूरे तरीके से उसमें इनपुट नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अपने अंदर की किसी भी तरह का फियर जो है उसे बाहर निकालिए। आज के दिन में उपाय सिर्फ इतना सा है, सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मान लीजिए अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में एक ऑडियो फॉर्म में जरूर सुंदर कांड का पाठ लगाइए और उसे सुनिए जरूर। हनुमान जी के सामने कुछ समय बैठ करके उनकी पूजा जरूर कीजिए और लाल रंग के पुष्प उन्हें जरूर अर्पित कीजिए। मिथुन राशि, कार्ड्स निकल रहे हैं द फूल एंड नाइन ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए आज एक विश कार्ड है, दैट मींस आज के दिन में नई किसी नौकरी की शुरुआत हो सकती है। इंटरव्यूज आपके लिए सक्सेस लेकर के आ सकते हैं, पुराना रुका कोई काम पूरा हो सकता है। आज किसी से कोई खुशखबरी मिल सकती है और खास तौर पे नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो सकती है। नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, माता पिता को मान सम्मान देंगे आज। उपाय के रूप में आज के दिन में आप लोगों को शनि स्रोत का पाठ करना अच्छा रहेगा। कर्क राशि, किंग ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड निकल रहा है। काम से संतुष्टता रहेगी आज के दिन में। आप लोग खासतौर पर लग्जरीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे लेकिन डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। जी आपको दिन में सपने नहीं देखने हैं, जरूरी है आप मेहनत करें उसके बाद ही आप लोग रिजल्ट्स की उम्मीद करें। बिना सोचे समझे किसी कार्य की शुरुआत मत कीजिएगा आज के दिन में। दूसरों की बातों में आकर के कोई कार्य मत कीजिएगा। कर्क राशि वाले लोग कोशिश करेंगे शनि चालीसा का पाठ करेंगे संध्या काल के समय। सिंह राशि, एट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। आज के दिन में घर में महिलाओं की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपकी किसी बातों को रजामंदी दी जा सकती है। आज माता पिता आपको सहयोग जरूर करेंगे। घर में छोटे बच्चों की सेहत का ध्यान रखें और उनकी एक्टिविटीज पर नजर जरूर रखें। आज सरकारी कर्मचारियों को कहीं ना कहीं पे काम का प्रेशर ज्यादा महसूस हो सकता है। एंग्जाइटीज को खत्म करने के लिए आज नमक के पानी से स्नान जरूर करें और अपने घर के वॉशरूम्स में नमक भर के जरूर रखें। अगर लाहौरी नमक आपको कहीं से नहीं मिलता है तो कोशिश कीजिए आप नॉर्मल जो सॉल्ट घर में यूज करते हैं वो भी आप रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कन्या राशि, द जजमेंट एंड द एम्परर कार्ड निकल रहा है। आज डिसीजंस आपके सराहनीय रहेंगे, लोग आपकी बातों को एक तरह से बहुत ज्यादा महत्व दे सकते हैं। अपने काम पर फोकस करके चलेगा और खासतौर पर पुराने रुके हुए काम की दोबारा से आप लोग रीस्टार्ट के बारे में सोच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में आज सोचा जा सकता है। वर्गोस के लिए उपाय छोटा सा रहेगा, आज सरसों के तेल का दीपक आपको अपने घर के साउथ डायरेक्शन में जलाना है और साथ ही में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चलिए बात करते हैं लिब्रंस की, सेवन ऑफ पेंटाकल्स एंड टू ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। कोलैबोरेशन में किसी के सहयोग से आज कोई काम पूरा हो सकता है। अपने डिसीजंस पर, अपने टारगेट्स पर फोकस करके चलेंगे, नहीं तो आपका काम जो है वो स्थगित हो सकता है। काम में आगे कहीं ना कहीं कोई चीजें में डिले आपको दिखाई दे सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचेगा। लिब्रंस को आज थोड़ा सा वाद विवाद से बच के चलने की जरूरत है। आप लोगों के लिए आज के दिन का उपाय ये है, ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आज आपके लिए कॉन्फिडेंस को, आपके विल पावर को बढ़ाएगा। सूर्य को जल देना भी अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्कॉर्पियो, फोर ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, हर चीज में एक स्थिरता बनती हुई नजर आ रही है लेकिन बिलीव और ट्रस्ट ये मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने आप के ऊपर बिलीव रखिएगा और अपने आसपास के लोगों को ट्रस्टफुल बना करके चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कारोबार की नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। प्लानिंग्स या फिर खास तौर पे चीजों के लिए आप लोग एक तरह से लोगों से सलाह मशवरा आज करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों के लिए उपाय सिर्फ इतना सा है, आज संध्या काल के समय बजरंग बाण का पाठ करना अच्छा रहेगा। हनुमान जी को मॉर्निंग के टाइम में अगर चोला चढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैजिटेरियंस की, कार्ड्स निकल रहे हैं द डेविल एंड एट ऑफ पेंटाकल्स। तो धनु राशि वाले लोग आज सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरे लोगों की सलाह
उतनी ही लीजिए जितना जरूरी है। अपने सिचुएशंस को देख करके ही आप लोग आगे डिसीजन मेकिंग कीजिएगा। आज के दिन में थोड़ा सा प्लेफुल हो सकते हैं आप लोगों के साथ, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। आज किसी की कही हुई बातें आपको बहुत ज्यादा असर दे सकती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन किस तरह से आप लोग करेंगे, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिजल्ट्स मिलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिविटी जो है नजर आ रही है, आपके पॉजिटिव थॉट्स आपके पूरे दिन भर को सकारात्मक जरूर बनाएंगे। आज के दिन का उपाय सिर्फ इतना सा है, आप लोगों को कोशिश करनी है अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में लैवेंडर एसेंस का प्रयोग जरूर करें, या फिर कोशिश कीजिएगा अगर घर में रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है तो उसे अपने घर में बेडरूम में जरूर आप लोग प्लेस करें, आपके रिलेशनशिप्स के लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। फोर ऑफ वांड्स एंड द मून कार्ड निकल रहा है, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आप लोगों की रिलेशनशिप्स के अंदर। कोशिश कीजिएगा रिश्तों में वाद विवाद को कम से कम जगह दें, आज के दिन में जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे इन चीजों को उतना ही अच्छा रहेगा। और खासतौर पर कैप्रिकॉर्न्स के लिए आज सेहत का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए, और जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग अपनी दवाइयों को समय पर लीजिएगा। आज अपने घर में आपकी जो मेडिसिन है उसे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, और खासतौर पर अपने सरहाने पर तांबे के लोटे में जल भर करके ही आप सोएं, और उसके बाद सुबह उठ करके उसे किसी भी पौधे में आप डाल लीजिए। इसके अलावा आज के दिन में ओम शिव शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए बेहतर है। कुंभ राशि का आज निकल रहे हैं 10 ऑफ कप्स एंड टेम्पल्स। आज थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे दिन में बढ़ते जाएंगे वैसे कंफ्यूजन भी खत्म होती चली जाएंगी। आज के दिन में लोगों से इंट्रैक्शन करना आपको नया आइडिया दे सकता है, और खास तौर पे आप अगर कोई प्रोजेक्ट की नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्लान जरूर बना सकते। तो कुंभ राशि वाले जो लोग हैं आज के दिन में शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं, द मजिशियन एंड हाई प्रीस्टेस कार्ड निकल रहा है। आज जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को फायदा हो सकता है, कुछ ना कुछ नए ऑप्शंस नजर आ सकते हैं।